नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये हमारा चौथा पार्ट है। अगर आपने हमारे इसके पहले के तीन पार्ट और साथ ही साथ 300 से अधिक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और ट्रिक के वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स के नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम पॉलिटी के प्रश्न करवा रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जहाँ कहीं पे भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये किस कंट्री से लिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। दूसरा प्रश्न लेते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पूर्व में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? अभिलेख न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपना। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111 जो है, इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि अपनी बिल पर सहमति रोक देता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोस्तों, इसे पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। इसमें ऐसा क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है पॉकेट यानी जेब में, अपनी जेब में उस बिल को रख लेता है और उस पर अपनी ना तो सहमति देता है ना कुछ बताता है, उसे लौटाता भी नहीं, सिर्फ रखे रहता है, यानी कि होल्ड कर देता है उसे। ठीक है, जिस बिल पर उसे अपनी सहमति नहीं करनी होती उन कंडीशन में ही वो इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है राष्ट्रपति और उस बिल को होल्ड पे लगा देता है। ठीक है, चौथा प्रश्न लेते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है दोस्तों? ऑप्शन है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन या राज्यों का कन्फेडरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, राज्यों का यूनियन। दोस्तों, ये यूनियन का मतलब दोस्तों क्या होता है? संघ होता है। ठीक है, तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाँचवा प्रश्न लेते हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई है वह एक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई है वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, छठा प्रश्न लेते हैं, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गोवा में जो है विधान परिषद नहीं है। बाकी ये जो तीनों ही ऑप्शन है वहाँ पर विधान परिषद है, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न लेते हैं, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19A में ये भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आठवां प्रश्न लेते हैं, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है, इसलिए तो गलत हो गया। और तीसरा सीएजी की भी करता है, यानी पहला और तीसरा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, नवा प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 14 दिनों के भीतर उसे लोकसभा को लौटाना ही पड़ेगा, ये नियम है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दसवां प्रश्न लेते हैं, राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है तो कहाँ से दिया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से राज्यपाल को वेतन और भत्ता दिया जाता है। ग्यारहवां प्रश्न लेते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
तो दोस्तों किसे है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी राज्यसभा को कोई भंग ही नहीं कर सकता है, तो कैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उसे भंग कर पाएंगे, ठीक है? जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और उसे कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 12वां प्रश्न लेते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है, तो वो का किस आर्टिकल में किया गया? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74 में कैबिनेट शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां प्रश्न लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया के नाम से हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 14वां प्रश्न लेते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया। अब राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? ये है, आप लोगों ने फोटो देखी हुई होगी। ये कहाँ से लिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों वाराणसी के सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, वहाँ से इस चिन्ह को लिया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको आप लोगों को बता दिया है। वाराणसी में सारनाथ है, और सारनाथ में अशोक स्तंभ है, तो उसी अशोक स्तंभ से इस चिन्ह को लिया गया है, जो कि भारत का राजकीय चिन्ह है, ठीक है। कब लिया गया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब 15वां प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है, तो किस कंट्री से DPSP को लिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जो है दोस्तों, मैंने आप लोगों से जो पॉलिटी का पार्ट 3 था, वहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था इस क्वेश्चन को। तो जिनको नहीं आता वो यहाँ पर देख लें, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व को लिया गया है, ठीक है। 16वां प्रश्न लेते हैं। निम्न राज्यों में से किस एक में से केवल एक ही सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा में आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम से केवल एक ही लोकसभा का सांसद चुनकर आता है, ठीक है। 17वां प्रश्न लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना यानी कि 5-year plan का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। 18वां प्रश्न लेते हैं। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करती है, तो ये किसे क्या करती है दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी ग्रामीण विकास और कृषि के लिए। अब दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी स्थापना कब की गई नाबार्ड की? तो वो दोस्तों है 1982 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 19वां प्रश्न लेते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। 20वां प्रश्न लेते हैं। राजा चलैया समिति का संबंध किससे था? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कर सुधार से रिलेटेड थी राजा चलैया समिति। 21वां प्रश्न लेते हैं। निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? तो इंडिया में तो रुपया चलता है, विदेश में कहाँ पे चलता है? तो इनमें ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेशल्स जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रुपया ही चलता है, ठीक है। 22वां प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये कहाँ पर उल्लेख किया गया है इसका? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। 23वां प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आकार में मध्यम, बहुत छोटा, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान या मौलिकता का अभाव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान, यही इसका एक
सही प्रकार का वर्णन है भारतीय संविधान का। 24वां प्रश्न लेते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, 25वां प्रश्न लेते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन है भाग 18, भाग 21, भाग 20 या भाग 22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी भाग 20, यानी कि पार्ट 20 से में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26वां प्रश्न लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 249 में ये दिया गया है संसद को अधिकार कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बना सकता है। ठीक है, 27वां प्रश्न लेते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A के तहत ये चीज़ है कि भारतीय नागरिक जो हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। 28वां प्रश्न लेते हैं, सार्वजनिक धन का प्रहरी कहलाता है, तो कौन कहलाता है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का प्रहरी कहते हैं, और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, CAG भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, 29वां प्रश्न लेते हैं, वर्तमान की त्रिस्तरीय चुनाव आयोग प्रणाली कब अस्तित्व में आई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, सन 1993 में ये चुनाव आयोग की प्रणाली आई। ठीक है, 30वां लेते हैं प्रश्न, किस सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा जो होती है उस सभा का अध्यक्ष जो होता है सभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये है आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में करके बताएं, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, बाकी लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा पॉलिटी का, जो कि पार्ट 5 होगा, उस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड, ये हमारा पार्ट 4 था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 300+ वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स के डाल रखे हैं, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।